जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR, इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एनवायरमेंट की एक और टॉप एमसीक्यू की सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं एनवायरमेंट के 500 मोस्ट एमसीक्यू, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हो, डिटेल एनालिसिस के साथ पूरी थ्योरी भी कवर कर लेंगे हम लोग। चलिए तो आज का लेक्चर शुरू होगा 101 से। अगर आपने 100 क्वेश्चन नहीं देखे, पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, तो प्लीज़ उनको भी देखिए, अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। एनवायरमेंट के आराम से 6 से 8 सवाल सही हो जाएंगे। और बाकी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में हमारे नए बैच एकदम फ्रेश RO के लिए चालू हुए हैं, UPPCS के लिए भी, आराम से इसमें एडमिशन लेके इसके टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, सिलेक्शन मटेरियल, डाउट ग्रुप में पूछ के आप आराम से अपना सिलेक्शन ले सकते हैं दोस्तों। आराम से कट ऑफ को क्लियर किया जा सकता है जितना बताया जाएगा, अगर आपने उतना रिलीजियसली फॉलो कर लिया अगर। चलिए, कह रहा किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? इन विच इन्वायरमेंट द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ बायोमास इज मिनिमम। बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा सा भी अगर आप सोचेंगे तो कर ले जाएंगे। डीप सी यानी गहरा सागर, पेरीज डेसिड्यूस फॉरेस्ट या टैगा, ठीक है, या पेरीज ग्रासलैंड होती है तो वो बताना है। तो कहाँ पे सबसे कम बायोमास प्रोड्यूस होता है? तो वन एंड ओनली ऑब्वियसली भैया डीप सी में सनलाइट तो इतनी रहेगी नहीं, जब सनलाइट नहीं रहेगी तो ऑक्सीजन डिजॉल्व नहीं होगी, फूड नहीं बनेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो और भी एनिमल्स प्रोडक्शन वगैरह नहीं हो पाएगी, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आसान सवाल था ये। नेक्स्ट 102 नंबर पे आते हैं, कह रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज वॉज पॉस्टुलेटेड बाय, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने करी थी, ये बताना है आपको। सीसी पार्क ने, JNN जेफर्स ने, जोसेफ फेरियर ने, या एल जॉबलर ने। तो ग्रीन हाउस गैस का कॉन्सेप्ट जो है ये दिया था किसने, जोसेफ फेरियर ने। किसने? जोसेफ फेरियर। जैसे मेथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, नाम याद रखना, जोसेफ फेरियर, ठीक है। 103 देखते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीजेस इन द एनवायरनमेंट, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, क्यों? ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड, ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, ड्यू टू ऑक्सीजन, या नन ऑफ द अबव। कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑक्सीजन के कारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो पर्यावरण में ग्रीन हाउस किस लिए बढ़ता है दोस्तों? बहुत ही आसान है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अगर मेथेन ऑप्शन में होता तो मेथेन हो जाता, वाटर वेपर होता तो वाटर वेपर हो जाता, ठीक है। ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। 104 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली रिफर्ड एज अ ओजोन होल, निम्नलिखित में से किसे समानता ओजोन क्षेत्र के रूप में संदर्भित किया जाता है? अब आपके ऑप्शन है लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। बहुत ही आसान है ये। इसी के साथ मैं एक सवाल और ऐड कर दे रहा हूँ, ओजोन डे कब मनाते हैं? तो ज्योग्राफी में दोस्तों पढ़ा होगा ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में आती है ओजोन लेयर, जो कि हमें यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है, और CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ये हटती है, जो कूलिंग डिवाइसेस में CFC लगा होता है, जैसे फ्रिज, AC, इन सब में, ठीक है। और ओजोन डे, इंटरनेशनल ओजोन डे हम लोग 16 सितंबर को मनाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए 105 पे आ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर पॉल्यूटेंट, निम्नलिखित में से कौन एक जल प्रदूषक नहीं है? क्रोमियम, आर्सेनिक, सिल्ट, या ग्लेशियर, ठीक है। क्रोमियम, आर्सेनिक, सिल्ट, या ग्लेशियर। तो बहुत ही आसान है ये भी दोस्तों, ग्लेशियर दोस्तों एक वाटर पॉल्यूटेंट नहीं है, तो एक वाटर का सोर्स होता है, वहीं आर्सेनिक ये सब जल को भारी कर देते हैं, सिल्ट मिट्टी उत्पन्न, मतलब मिट्टी उसमें आ जाती है ना, छोटे छोटे कण, और वही काम क्रोमियम का होता है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड कर देता है वाटर को, ग्लेशियर एक पॉल्यूटेंट नहीं होता है। चलिए 106 पे आते हैं, द कॉर्बेट नेशनल पार्क गेट इट्स वाटर फ्रॉम, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल कहाँ से प्राप्त करता है? अभी कॉर्बेट नेशनल पार्क वही है जिसको हैली नेशनल पार्क पहले बोलते थे, और प्रोजेक्ट टाइगर सबसे पहले यहीं पर लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पर कौन सी नदी आती है? अलकनंदा, रामगंगा, धौली गंगा, या शारदा नदी। तो काफ़ी प्रचलित नदी है ये, वहाँ पे अगर आप घूमने गए होंगे पता होगा, रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से बहती है। कौन सी? रामगंगा नदी। 107 कह रहा, विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? द वर्ल्ड लार्जेस्ट बोटैनिकल गार्डन इज लोकेटेड इन, कहाँ पर है वो लार्जेस्ट बोटैनिकल गार्डन? क्यू इंग्लैंड में, पेरिस फ्रांस में, हावड़ा इंडिया में, या टोक्यो जापान में? तो दुनिया का सबसे बड़ा बोटैनिकल गार्डन दोस्तों क्यू इंग्लैंड में आपको देखने को मिलेगा,
ठीक है, याद रखिए विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान यहीं पर है, कीव इंग्लैंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे। 108 देखते हैं, सस्टेनेबल एनर्जी डिकेड्स फॉर ऑल इनिशिएटिव्स, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल किसने चालू करी थी? यूनाइटेड नेशन ने, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, या वर्ल्ड बैंक ने? तो SDG गोल ये है UN के दोस्तों, सस्टेनेबल एनर्जी डिकेड्स फॉर इनिशिएटिव ये किसका है दोस्तों? जैसे SDG गोल थे वैसे ये भी है, UN का है ये, और UN का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क USA में। और वहीं दोस्तों अगर आपसे IMF का हेडक्वार्टर पूछ ले, IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो Washington DC में है ये। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर फिलीपींस में, और वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर Washington DC में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, कह रहा है निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेज इज द बेस्ट एनवायरनमेंट फ्रेंडली? पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कोल प्रोडक्ट, न्यूक्लियर फ्यूजन या सोलर सेल? बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल, मैं चाहता हूँ इस सब मतलब इसका उत्तर का आंसर मतलब इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लड्डू सवाल है ये। 110 कह रहा, विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 आयोजित किया गया था, वर्ल्ड टाइगर समिट 2010 कहाँ पे हुआ था? बैंकॉक, नैरोबी, न्यू दिल्ली या पिट्सबर्ग में? तो काफ़ी फेमस है ये, पिट्सबर्ग में हुआ था दोस्तों वर्ल्ड टाइगर समिट, और पिट्सबर्ग कौन से देश में है दोस्तों? USA में है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए, एक खाद्य श्रृंखला सर्वदा आरंभ होती है, आ फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट विथ, किससे फूड चेन शुरुआत होती है फूड चेन की दोस्तों? रेस्पिरेशन से, फोटोसिंथेसिस से, एब्जॉर्प्शन से, या एक्सक्रीशन से, मतलब उत्सर्जन से, अवशोषण से, प्रकाश संश्लेषण से, या श्वसन से? तो बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, फोटोसिंथेसिस जो होता है, फोटोसिंथेसिस मतलब जहाँ से खाना बनने की शुरुआत होती है ना, भोजन बनने की प्रक्रिया होती है, तो वहीं से तो फूड चेन शुरू होगी ऑब्वियसली, है ना, तो फूड चेन से शुरुआत होती है दोस्तों। चलिए 112 देखते हैं, भारत में कितने वर्ष तक बायो पेटेंट प्रभावी बना रहता है? हाउ लॉन्ग बायोलॉजिकल पेटेंट रिमेन्स इफेक्टिव इन इंडिया? 5 साल, 10 साल, 20 साल या 25 साल? तो बायोलॉजिकल पेटेंट भारत में इफेक्टिव रहता है दोस्तों 20 साल के लिए। कितने साल के लिए? 20 साल के लिए इफेक्टिव रहता है ये, याद रखिएगा, पूछ सकता है आपसे। चलिए 113 देख लेते हैं, सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम? वन, घास के मैदान, रेगिस्तान या समुद्र? सबसे स्टेबल कौन रहता है इनमें से? बहुत ज़्यादा आसान सवाल है दोस्तों, आराम से बता सकते हो। जी हाँ बिल्कुल, ओशियन दोस्तों, क्योंकि बहुत बड़ा इकोसिस्टम होता है ओशियन का, इतनी जल्दी इसमें चेंजमेंट नहीं होता है, ये स्टेबल रहता है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज द आइलैंड टियारा डेल फ्यूगो लोकेटेड? टियारा डेल फ्यूगो द्वीप निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है दोस्तों, ये बताना है आपको, ठीक है। टियारा डेल फ्यूगो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या एशिया में? तो ये दिख रहा है दोस्तों टियारा डेल फ्यूगो आइलैंड, ये आपका साउथ अमेरिका में है, अर्जेंटीना में, ठीक है। तो यह मैप में देख सकते हो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टियारा डेल फ्यूगो साउथ अमेरिका, कौन सा देश? अर्जेंटीना। चलिए 115 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया इज फेमस फॉर मैनग्रूव वेजिटेशन? भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैनग्रूव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा, साइलेंट वैली, सुंदरबन या हिमालय वैली? बहुत ज़्यादा आसान है दोस्तों ये, जिन बच्चों ने थोड़ी सी भी तैयारी करी होगी, 5-6 महीने पढ़ा होगा, तो ये उत्तर दे सकते हैं, तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ इसका उत्तर आप दीजिए। 116, टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस द एरिया अंडर फॉरेस्ट शुड बी? पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वन के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र होना चाहिए, मतलब कितने प्रतिशत वन होना चाहिए, वन क्षेत्र इतना ज़रूरी है? 10%, 23%, 33% या 53%? 10, 23, 33 या 53? तो कितना होना चाहिए? टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस द एरिया अंडर फॉरेस्ट शुड बी 33%, कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए। चलिए 117 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट विजिबल फॉर्म ऑफ सॉइल इरोजन? निम्न में से कौन सा भूक्षरण का सबसे कम दिखाई देने वाला रूप है, ठीक है, सॉइल इरोजन जो होता है, यह फिजिकल ज्योग्राफी का वैसे सवाल है, ट्यूबियल इरोजन, लैंड स्लाइड, लेयर इरोजन या कंस्ट्रक्शन ऑफ रेवाइन? अवनलिका अपरदन, भूस्खलन, परत अपरदन या खड्डे का निर्माण? दोस्तों सबसे कम जो विजिबल होता है, लीस्ट विजिबल सॉरी, लेयर इरोजन जो होता है, कौन सा? लेयर इरोजन जो होता है, थोड़ा 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 करके होता रहता है, उसको बोलते हैं लेयर। अब लैंडस्लाइड तो देखते हो आप, एकदम ही से विजिबल होता है। रेवाइन जो बनता है, रेवाइन जो ग्लेशियर्स बनाते हैं, ये गड्ढा बना देती है, है ना, देखा होगा आपने, ठीक है, तो ये कम दिखता है, लेयर इरोजन। 118, ग्रासलैंड इज एन इकोटोन बिटवीन फॉरेस्ट एंड डैश इकोसिस्टम?
घास के मैदान, वन और पारिस्थितिकी तंत्र के बीच एक इकोटोन होते हैं। कौन से बीच में भैया? कोरल रीफ, टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय, एक्वेटिक यानी जलीय, रेगिस्तान यानी डेजर्ट। तो ग्रासलैंड देखो इकोसिस्टम होते हैं किसके बीच में, जैसे ये ग्रासलैंड है ठीक है, तो जंगल होंगे पहले, बड़े बड़े फॉरेस्ट होंगे ठीक है, फॉरेस्ट से भैया ग्रासलैंड आएगा, ग्रासलैंड के बाद क्या आ जाता है सीधा डेजर्ट में कन्वर्शन हो जाएगा ना भैया, जंगल आया फिर थोड़े थोड़े ग्रासलैंड आया फिर वो भी खत्म होकर डेजर्ट बन गया। तो इकोटोन होता है दो ट्रांजिशन जोन के बीच में, ट्रांजिशन हो रहा होता है, ट्रांजिशन मतलब एक इकोसिस्टम से दूसरा बन रहा होता है, उसके बीच में जो होता है उसको बोलते हैं इकोटोन ठीक है, तो डेजर्ट हो जाएगा। अब इकोटोन का बहुत अच्छा एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो जैसे समुद्र है ठीक है, और ये आपका लैंड है, ये लैंड है, ये समुद्र, अब इसके बीच में जो आ गया हल्का सा वो इकोटोन हो गया ठीक है। 119 देख लेते हैं, जैसे आप कछुआ देखते हो इकोटोन उसका, वो यहाँ भी रहेगा यहाँ भी रहेगा। द इंटर रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड, खाद्य श्रृंखला का अंतः संबंध जटिल तंत्र क्या कहलाता है? ट्रॉपिक लेवल, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड या इकोलॉजिकल चेन, पोषणज स्तर, खाद्य जाल, पारिस्थितिक पिरामिड या पारिस्थितिक श्रृंखला। बहुत ज़्यादा लड्डू सवाल है दोस्तों। अब बहुत सारी फूड चेन जब आपस में इंटर कनेक्ट होती है तो उसको फूड वेब कहते हैं, क्या कहते हैं? फूड वेब कहते हैं। चलिए 120 देखते हैं, द ग्लोबल रिसाइकलिंग डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस हर साल डैश को मनाया जाता है। तो वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस कब मनाते हैं या ग्लोबल रिसाइकलिंग डे हम लोग कब मनाते हैं हर साल? 18 मार्च को मनाते हैं, कब? 18 मार्च को। 121, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज क्रेडिटेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूरेनियम सिटी, निम्नलिखित देशों में से किसे यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? ऑस्ट्रेलिया को, कनाडा को, रशिया को या यूएसए को? तो यूरेनियम सिटी स्टैब्लिश करने का श्रेय किसको देते हैं? कनाडा को। किसको दिया जाता है? कनाडा को दिया जाता है यूरेनियम सिटी स्टैब्लिश करने का क्रेडिट। चलिए 122, द एज ऑफ द ट्री कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम, पेड़ की आयु का पता कैसे चलता है? काउंटिंग ऑफ लीव्स ऑन अ ट्री, काउंटिंग द नंबर ऑफ रिंग ऑन इट्स स्टेम, काउंटिंग द ब्रांचेज ऑन द ट्री या मेजरमेंट ऑफ इट्स हाइट, मतलब पेड़ों की पत्तियां गिन लो या उसके धड़ पर वलयों की संख्या की गणना करके, पेड़ों की शाखाओं की गणना करके या उसकी ऊंचाई की माप करके। तो दोस्तों देखिए, काउंटिंग द नंबर ऑफ रिंग्स ऑन इट्स स्टेम, जो तना होता है उसका, उसमें नंबर ऑफ रिंग्स जितनी होती हैं उससे पता चलता है कि पेड़ की आयु क्या है। पहली चीज़ जो देखते हो ना कि 100 साल का पेड़ है, 200 साल का पेड़ है, कैसे पता चलता है? जो रिंग बनी होती है, नंबर ऑफ रिंग्स उसके स्टेम्स में। अब आपको ये देखिए डायग्राम दिख रहा है ट्री का, ये जो दिख रहा है ना गोल गोल सर्कल, ऐसे ही जितने भी नंबर ऑफ स्टेम्स में इसमें बने होते हैं ना उतने ही साल पुराना वो ट्री होता है ना, जितने भी उसमें ये बने होंगे लाइन, एक बनी तो एक साल, दो साल, तीन साल, ऐसे ही करके 100 बनी तो 100 साल, ऐसे काउंट करा जाता है। ये भी देख सकते हो, देखो पेड़ के तने दिख रहे हैं इसमें, ये काउंट कर लेंगे कितनी लाइन है तो उतना ही पुराना पेड़ माना जाता है ठीक है। चलिए 123 देखते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज द सलखान फॉसिल पार्क लोकेटेड, सलखान जीवाश्म पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? उन्नाव में, रामपुर में, सोनभद्र में या बरेली में? कौन सा? सलखान फॉसिल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यह सोनभद्र में, ऐसे सलखान ऐसे सोनभद्र, ऐसे याद रख लो। सलखान फॉसिल पार्क उत्तर प्रदेश में कहा? यूपी जीके में, पूछ सकता है, सोनभद्र में ठीक है। चलिए 124 देख लेते हैं, इन विच स्टेट इज दी उषा कोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड, उषा कोटी माफ़ कीजिएगा, उषा कोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड, कहाँ पे है उषा कोटी वन्यजीव अभ्यारण्य, किस राज्य में है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या गुजरात ठीक है। तो उषा कोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी बड़ा न्यूज़ में भी थी, ये उड़ीसा में है, कहाँ पर है? उड़ीसा में ठीक है। चलिए 125 आज का अंतिम सवाल देखते हैं, विच ऑफ दी फॉलोइंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाई यूनेस्को इन जुलाई 2016 ठीक है, किसको बनाया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस नेशनल पार्क को 2016 में? काजीरंगा नेशनल पार्क को, कंचनजंगा नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क या वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क? तो जैसा कि पता होगा काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, कंचनजंगा नेशनल पार्क ये आपके उत्तराखंड में है, कॉर्बेट वैली भी उत्तराखंड में है और वैली ऑफ फ्लावर भी उत्तराखंड में है, सॉरी माफ़ कीजिए कंचनजंगा सिक्किम में, क्या बोल रहा हूँ, है ना, नंदा देवी है वो उत्तराखंड में, कंचनजंगा सिक्किम में। तो एक कंचनजंगा को बनाया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाई यूनेस्को इन 2016 ठीक है, 2016 में कंचनजंगा को मिला था जो कि सिक्किम में, याद रखिएगा। तो ये था दोस्तों एनवायरनमेंट का आज का लेक्चर, कैसा लगा, मज़ा आया कमेंट में प्लीज़ बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए दोस्तों, एग्ज़ाम आज नहीं तो कल आप निकाल ही लेंगे, आर ओ आर ओ पे कर रहे हैं तो आपके पास अच्छा खासा वक्त है, डेली आपको कम से कम 6 से 7 घंटा पढ़ना है आर ओ के लिए, पी सी एस के लिए कम से कम 9 से 10 घंटे पढ़िए क्योंकि अक्टूबर में एग्ज़ाम है, काफ़ी कुछ आपको रिवीजन करना है और रिवीजन का बेस्ट तरीका है सी एस के पेड क्विज लगाइए,
जीएस के आपको डेली 100 क्वेश्चन पेड क्विज, पेड क्विज देखा नहीं जाता है, लगाया जाता है, प्रैक्टिस करी जाती है ना, अटेम्प्ट करिए आराम से उसको, फिर देखिए क्या गलत है, आराम से सब रिवीजन हो जाएगा आपको। टेस्ट सीरीज लगा सकते हो डेली आराम से, बैठो संडे को या जब भी आप पढ़ाई हो चुकी हो, एक टेस्ट 2 घंटे का जरूर लगाओ, एक्सप्लेनेशन देखो, जो गलतियाँ हो रही हैं उसको सुधारो दोस्तों, उन सब्जेक्ट्स को, उन टॉपिक को और पढ़ो।